हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या पीरियड्स आने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बहुत सारे महिलाएं मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये सवाल उनके मन में रहता है कि हमारा तो पीरियड्स आ गया तो अभी हमारा प्रेग्नेंट होने का चांसेस नहीं है। तो कई कई महिलाएं तो ये भी पूछते हैं कि मेरा तो पीरियड्स आ गया लेकिन बहुत दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो ऐसे कैसा पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, पीरियड्स होने के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो पीरियड बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर यानी कि उसमें अगर 3-4 दिन तक फ्लो रहता है और वो भी कंटिन्यूसली फ्लो होता है, साथ ही साथ उसमें क्लॉट्स आता है, और एक दिन में 2 पैड़ा अगर आप यूज़ करते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा पैड आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर पीरियड कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा तो पीरियड्स हो गया, अभी हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो पीरियड्स के जो दिन या फिर पीरियड से कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, अगर आप कंसीव कर चुके हैं यानी कि आपका जो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो जायगोट आपका जो यूटेरस का दीवार एंडोमेट्रियम लाइनिंग में आकर चिपकता है, वो थोड़ा सा खुरदता है यूटेरस को लाइनिंग, तो उसी में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है जो कि आपका वैजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो ये भी लगभग उसी टाइम के दौरान होता है जब आपका पीरियड्स आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप गलती से पीरियड समझ लेते हैं, लेकिन आप इसे डिफरेंशिएट बिल्कुल भी कर सकते हैं कि ये पीरियड है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो 1-2 दिन तक ही रहता है और साथ ही साथ उसका कलर भी डार्क ब्राउन होता है या फिर पिंकिश होता है, ये बिल्कुल भी रेड कलर का नहीं होता है। कट लगने पर, चीरे लगने पर जैसे फ्रेश ब्लड आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आइदर ये डार्क ब्राउन कलर का होता है या फिर लाइट पिंकी कलर का होता है, और इसमें बीच बीच में थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है जो कि 1-2 दिन में रुक जाता है। इसमें स्टेडी फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्रैम्पिंग भी नहीं होता है, अगर होता है तो माइल्ड क्रैम्पिंग होता है, और इसमें क्लॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्लॉट्स आना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है पॉसिबल है, बस लाइट हल्का सा ब्लीडिंग ही होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर फ्लो होता है, जैसे कि दिन में अगर 2 से ज़्यादा पैड लगता है या फिर उसमें हेवी फ्लो आता है या फिर आपका पीरियड 3-4 दिन तक रुकता है या फिर आपके क्लॉट्स के साथ भी पीरियड्स आता है, तो इस क्षेत्र में आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और बीच में ही ये सब लक्षण दिख, हेवी फ्लो हो रहा है, तो हो सकता है ये मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इस क्षेत्र में आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड है, तो आपका जो ब्लीडिंग है यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के 10 से 15 दिन के बाद आप एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए। जो सुबह का मॉर्निंग का यूरिन लेकर जो किट में डालते हैं उसमें डालिए और देखिए कि 2 पिंक लाइन आ रहा है या फिर 1 पिंक लाइन। अगर 2 पिंक लाइन आता है तो बिल्कुल भी आप प्रेग्नेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो मन में जो डाउट है कि क्या पीरियड्स आने के बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं नहीं, इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।